इस मंदिर का जो आप दर्शन कर रहे हैं, यह मंदिर अमरकंटक का मुख्य मंदिर है। रास्ता ये रास्ता आप देख रहे हैं हाँ। ये रास्ता आपको डायरेक्ट पूछना है, वहाँ जो कार खड़ी है। यह महिला हम लोगों से पूछ रही है और यह नर्मदा परिक्रमा में आई हुई है। यह थोड़ा रास्ता को भूल गई थी और हम लोग माई की बगिया की ओर ही जा रहे थे, तो उसी रास्ते में यह महिला अकेले हम लोगों को मिली, जो कि हम लोगों ने वीडियो में पहले ही कहा है कि आप अकेले यात्रा ना करें। बाकी तो सारा सामग्री यह लेकर के ही घूम रही थी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप अगर अकेले चलेंगे तो आप रास्ता भूल सका। तो देखिए, हम लोग भी माई के बगिया पहुंच चुके हैं और माई के माता नर्मदा का वाहन क्या है आप लोगों को दिखलाते भी है, तो देख लीजिए। माता का वाहन है मगरमच्छ। जैसे कि सभी देवी देवताओं का वाहन होता है, उसी प्रकार से माँ नर्मदा का वाहन यह मगरमच्छ है। नजारा आप देख सकते हैं, कितना अद्भुत नजारा। पिछले बार ये नजारा नहीं देखे थे, एकदम प्रकृति की गोद में जिसको कहते हैं। ये हम लोग माई के बगिया के आगे हैं और यहाँ से एक तरफ बिलासपुर, एक तरफ अनूपपुर, कहने का मतलब एक तरफ छत्तीसगढ़, एक तरफ मध्य प्रदेश की। अमरकंटक का जो मुख्य पहाड़ है, तो मुख्य पहाड़ का सबसे ऊपरी परत जिसे कहा जाए कि जो सबसे ऊंचाइयों पे ये मैदान जो आप देख रहे हैं खुले में, जो ये टावर जो है, जो यहाँ अमरकंटक का पहचान है, वह टावर दूर दूर तक दिखाई देता है। और यहाँ सबसे ऊंचाइयों में ही से ही यह जो यहाँ का सूर्य का भी जो प्रकाश का नज़ारा है वो अद्भुत दिखाई देता है। यह देखिए आपका सूर्य का प्रकाश का नज़ारा। और हम लोग ये सीधा हम लोग माई की बगिया से अब मुख्य मंदिर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जय निखिलेश्वर, जय महाकाल।